प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में सिविल लाइंस के धरना स्थल पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 साल नौकरी करने के बाद नौजवान कहां नौकरी कर पाएंगे, इसलिए सरकार को अग्निपथ योजना को वापस करें। अगर सरकार अग्निपथ योजना वापस नहीं लेती है तो हम कांग्रेस के लोग पूरे देश में इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सेना हमारी एक महत्वपूर्ण सेना है और दो तरह की नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग 4 साल नौकरी करेंगे उनको ना तो पेंशन मिलेगी ना कोई मेडिकल मिलेगा कर, और जो पहले कर रहे हैं सेना में काम कर रहे हैं उनको पेंशन और मेडिकल की भी सुविधा दी जा रही है, इसी के लिए नौजवानों ने विरोध किया है। सेना में भर्ती बंद करो। सोनिया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निर्देश पे पूरे देश में विधानसभावार अग्निपथ योजना के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और जब तक अग्निपथ योजना ये सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम लोगों का ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हमारी मांग है कि अग्निपथ योजना समाप्त की जाए, इसमें 4 साल में नौजवानों का भविष्य खराब होगा और सेनाओं में फूट पड़ेगी, सेना कमज़ोर होगी। हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे मजबूत सेना है और उसको जो सरकार कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लाल बाबू बाहू भैया सबका आ जाएगा।